वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है मंदर, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव टेक। दोस्तों यहाँ पे चौंकने की जरूरत नहीं है, ये कोई टोयोटा की इनोवा नहीं है, ये है BYD कंपनी की E6 इलेक्ट्रिक MPV यानी मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल। ये BYD कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है चाइना में, ये चाइना बेस्ड कंपनी है। और इस BYD E6 को स्पॉट किया गया है चेन्नई में, क्योंकि ये जो BYD E6 इलेक्ट्रिक MPV है वो नवंबर नहीं तो दिसंबर में लॉन्च होने वाली है इंडिया में। इसके जो है इनिशियली CBU यूनिट बेचे जाएंगे इंडिया में, यानी 2500 यूनिट्स जो है वो इंपोर्ट किए जाएंगे बाहर से और उसे डायरेक्टली इंडिया में बेचा जाएगा। अगर हम लोग BYD E6 इलेक्ट्रिक MPV की बात करेंगे तो दोस्तों इसके लुक्स जो है वो आपको नॉर्मली लगेंगे, ऐसा कुछ इसमें लुक्स में कुछ बड़ा ऐसा क्रांतिकारी चीज़ में आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। और ये जो BYD E6 का है वो सेकंड जनरेशन मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसमें दोनों ही तरफ LED लाइट्स मिलेंगे। इसमें आपको फ्लोटिंग 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 4 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों BYD इलेक्ट्रिक E6 की सबसे मेन चीज की बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें बैटरी और मोटर क्या दी गई है और ये कितना चलेगी। तो इसमें आपको 71.1 किलोवाट की बैटरी पैक दिया गया है। इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर चल सकती है एक सिंगल चार्ज में। इसमें आपको DC चार्जिंग कैपेबिलिटीज भी दी गई है। इस कार को अगर आप फुल चार्ज करते हैं फास्ट चार्जर से तो ये कार जो है 0 to 100 डेढ़ घंटे में चार्ज हो जाएगी, ऐसा कंपनी का दावा है। और ये जो है वो 7-सीटर होने वाली है, इसमें शायद से आपको ऑप्शंस ना देखने को मिले। और इसकी जो प्राइस है वो 20 से 25 लाख के बीच में हो सकती है। ये मुझे पीछे से कार्निवल की तरह लगती है और आगे से इनोवा की तरह लगती है। तो आपका क्या विचार है इस गाड़ी के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।